उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सीएम योगी भी जन्मभूमि में करेंगे पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार। मुख्यमंत्री योगी ने मेरठ में बताया यूपी में कब थमेगा कोरोना की तीसरी लहर। स्कूल कॉलेज खुलने का भी बताया समय। बसपा ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए बदले दो प्रत्याशी, शेष 6 भी किए घोषित। गोरखपुर में सपा से टिकट के दावेदार ने जलाया पार्टी का झंडा। अखिलेश यादव पर मुस्लिमों से भेदभाव का लगाया आरोप। 31 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा विश्व संघात दिवस। संयुक्त किसान मोर्चे की तैयारियां जोरों पर। पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी बीजेपी। जाटलैंड में शाह योगी नड्डा के अलावा उठेंगे कई केंद्रीय मंत्री। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन नहीं, एनपीएस ज्यादा लाभकारी। मुख्य सचिव ने समझाया पूरा गणित। समाजवादी पार्टी के गठबंधन की गांठ पड़ी ढीली। सीट बंटवारे को लेकर जनवादी पार्टी में असंतोष। दिल्ली में हेलीकॉप्टर रोकने का आरोप लगाने के बाद मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश। मतदान से पहले जताई जबरन वोटिंग की आशंका। यूपी चुनाव 2022 में इलाहाबाद की भाजपा सांसद रीता जोशी के बेटे मयंक के सपा में जाने की फैली अफवाह। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।